हाँ तो भाई फाइनली नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2 की इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियली रिवील किया जा चुका है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में नथिंग फोन 2 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है, प्राइस पॉइंट क्या होने वाली और ऑफिशियली इसकी इंडिया लॉन्च डेट क्या होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी स्पेसिफिकेशंस पे चर्चा कर ली जाए तो यहाँ पे हमें 6.55 इंच की एक फुल HD प्लस 120 हर्ज रिफ्रेश साथ में एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें HDR10 का सपोर्ट, वाइडबैंड L1 सर्टिफाइड देखने को मिलने वाला है और ओवरऑल डिस्प्ले ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बात की जगह प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 8 प्लस जनरेशन 1 वाला प्रोसेसर, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 के रैम टाइप देखने को मिल जाएगा। तो भाई प्रोसेसर भी एकदम तगड़ा और शानदार होगा। बात करते भाई कैमरा के बारे में तो भाई देखिए मैंने कुछ दिन पहले ये फोन के ऊपर वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और जैसे कि इनके जो टीच किया हुआ है वहाँ पे हमें बैक में देखने को मिला है डुअल कैमरा, मतलब एक कन्फर्म है कि हमें ये डुअल कैमरा ही देखने को मिलेगा। और डिजाइन लैंग्वेज भाई सेम ही रहने वाली है, बस हल्का सी यहाँ पे लाइटिंग में हल्का सा चेंजेस किया गया, बस सब कुछ सेम ही होगा। पर फिक्स है कि जो मेन कैमरा होगा 50 MP का देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमें सोनी का नया सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सी बात है OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 32 MP की सेल्फी देखने को मिलने वाली है। बात कीजिए बैटरी और चार्जर के बारे में तो यहाँ पे हमें 4700 mAh की बैटरी और जो फोन ये 67 W के फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा, हालांकि चार्जर हमें डब्बे में देखने को नहीं मिलेगा। बात कीजिए UI के बारे में तो यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 और देखिए नथिंग OS 1.5 मुझे लग रहा है, नथिंग OS 2 तो अभी आया नहीं हाल फिलहाल में, तो 1.5 यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और इन फ्यूचर जब अपडेट आता है तो इसे उसका भी अपडेट मिलेगा। यहाँ पे हमें 3 साल का मेन OS का अपडेट 13 पे आया तो 14, 15, 16 और यहाँ पे हमें 4 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में तो भाई यहाँ पे सेम हमें जो है नथिंग फोन 1 जैसा ही डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे का ग्लैप इंटरफेस आप देख रहे हो तो लगभग हल्का कुछ चेंजेस है, बस यहाँ पे राउंड किया गया, वहाँ पे एकदम स्क्वायर सा टाइप में था, बस यहाँ पे हल्का सा चेंजेस किया गया, बस और सब कुछ सेम होने वाला है। बैक में डुअल कैमरा ही देखने को मिलेगा, हालांकि यहाँ पे हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट डिजाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें लाइटी भी आपको सी बातें देखने को मिल जाएगी, एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिलने वाला है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन ठीक ठाक है, बढ़िया है। बात की जगह सेंसर्स के बारे में तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट, डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बात की जगह इंडिया लॉन्च डेट के बारे में तो ऑफिशियली नथिंग वालों ने कंफर्म कर दिया है कि हमें 11 जुलाई के दिन ग्लोबली और इंडिया साथ में लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो जो लॉन्च इवेंट रखा गया और रात को 8:30 बजे रखा गया, मतलब रात को 8:30 बजे हर जगह ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। बात कीजिए एक्सपेक्टेड प्राइसिंग के बारे में तो जहां तक चांसेस इसकी प्राइसिंग हमें 40,000 के आसपास देखने को मिली, 40,000 से ऊपर जाएगा तो ओवर बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस हो जाएगा भाई। 40,000 इसके लिए इनफ है, 40 से कम आए, 37-38 में आए तो भी ठीक ही है, अगर ये 40 के ऊपर जाता तो भाई ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस हो जाएगा। हालांकि देखिए उस टाइम जब ये फोन लॉन्च होगा तो अपना ओपिनियन आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि ये फोन लेने लायक है नहीं लेने लायक है, कब लेना है, ओवरऑल कैसा फोन देखने को मिल जाता है। और अभी तक तो यही स्पेक्स हमारे सामने लीक हो गया है और लगभग 90 से 95% यही स्पेक्स हमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।